Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. हम लोगों का वेंचर हो गया कंप्लीट और अभी हम लोग चलेंगे बित्ता मोड़, क्योंकि बित्ता मोड़ से एक भाई है और दो तीन साथी हम लोगों के साथ ज्वाइन करेगा, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट श्रीअंतु। अच्छा, तो निकल चुके हैं हम लोग, लग रहा है सामने चेकिंग हो रहा है। हाँ, बट हम लोगों का क्या, हम लोगों का तो ऑल पेपर्स ओके है। बाय बाय पुलिस अंकल। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों का पेपर चेक किया, पेपर मतलब जो वेंचर था वो वेंचर चेक किया। हाँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंडिया से नेपाल जाने के लिए मतलब नेपाल के अंदर घूमने के लिए वेंचर कटाना पड़ता है, मतलब एक पेपर वर्क करना पड़ता है जिसको वेंचर बोलते हैं। प्राइस बहुत कम है उसका, 100 रुपीज़ पर डे, उससे आप पूरा नेपाल घूम सकते हैं। कोई भी पुलिस आपको रोकेगा तो वो पेपर दिखा देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, अभी ये जगह का नाम है काकरभिटा। हम लोग काकरभिटा क्रॉस कर चुके हैं, अभी काकरभिटा होके हम लोग अभी जाएंगे, काकरभिटा के बाद का जगह है ईटाभट्टी। ईटाभट्टी से होकर हम लोग जाएंगे धुलाबाड़ी, धुलाबाड़ी उसके नेक्स्ट जगह है बित्ता मोड़। तो हम लोग एक्चुअली बित्ता मोड़ नहीं घुसेंगे क्योंकि पेट पूजा नहीं हुआ, सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, घर से 2 रोटी खा के चले आए हम सब लोग जल्दी जल्दी से। तो वहाँ पर रुक कर कुछ खाना पीना कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से निकल कर डायरेक्ट चलेंगे श्रीअंतु के लिए, जो कि हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो आप लोग थोड़ा राइड का मजा लीजिए। तो हम लोगों का एक दोस्त का यहाँ पर रिलेटिव है, तो उसके पास बेनेली 300 है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बेनेली 300 लेने। बाप रे, ऐसा रोड, धूल, पूरा धूल यार, रोड तो कुछ भी नहीं है, पूरा क्या बोलूँ, जंगल के अंदर से जा रहे हैं ऐसे लग रहा है, बैम्बू का जंगल है। शिट मैन, सियोर नीचे लग जाएगा। धीरे धीरे धीरे, बच गया, नहीं लगा। अच्छा, और कितना दूर होगा इस रोड से, तो जाने में मेरा हलवा टाइट हो रहा है। ओ भाई, धीरे 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 धीरे, ज़्यादा दूर नहीं है लग रहा है, सामने ही है, दोस्त लोग भी नहीं दिख रहे, वो लोग आगे निकल गए मुझे पीछे छोड़ के। अच्छा, यहाँ पर खेती भी अच्छे से होता है। वो सामने वाला घर में है शायद, हाँ हाँ हाँ, वहीं पर रुक गए सब लोग सामने वाला घर पे। चलो लेते हैं बेनेली। तो भैया घर पे नहीं थे, तो हम लोग अभी खाने जा रहे हैं, वहाँ पर वेट करेंगे भैया के लिए, भैया आ जाएंगे वहाँ पर बाइक देने के लिए। तो हम लोग का एक दोस्त भैया से बेनेली लेंगे और चले जाएंगे हम लोग श्रीअंतु के लिए। तो चलते हैं खाने पीने के लिए अभी। और यहाँ पर हम लोग रुके हैं खाने के लिए, पेट पूजा हो जाए, सुबह से कुछ नहीं खाया, घर से निकल रही, नाम क्या है, हॉट स्मोक सीजलर। चलो अच्छा, ये अरे भाई फोन कर लो, नेपाल का रेड बुल, वाओ। चलो, और आप लोग यहाँ पर एक बेनेली देख पा रहे हो, वो बेनेली हम लोगों के साथ ज्वाइन करेगा अभी, भैया आ गया है। और वहाँ पर एक चीज बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर हम लोग ने मोमो ऑर्डर किया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री ने यहाँ पर पॉपकॉर्न के साथ ये दिया है, हिंदी में इसको क्या बोलते नहीं पता, बंगाली में मूला बोलते हैं, बट इसका टेस्ट एकदम ही अलग है।
और आ गया हम लोगों का मोमो। वाओ, इसका डिजाइन तो एकदम ही अलग है। टेस्ट करके बताना पड़ेगा कैसा है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बैग, ओह सॉरी, अभी जाएंगे सियंतु के लिए इलाम होकर। बेनिली भाई की कौन था देते थे क्या ना बेंज भाई ना। हाँ पेट शांति तो सब शांति। तो फाइनली हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। सब कंप्लीट हो गया। अभी एक बार में जरूर रुकेंगे सियंतु में। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आया तो रुकना ही पड़ेगा, किसे पता, वो तो सिर्फ बुकर वाला को भी पता है। तो राइड का मजा लीजिए फिर से आप लोग। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. यह है कन्नम का चेक पॉइंट और आगे चेकिंग चल रहा है, लेकिन मैं बेट्स लगा सकता हूँ हम लोगों को नहीं रोकेंगे यहाँ पर, गारंटी। नहीं रोका क्या बोला, नहीं रोकेंगे हम लोगों को, यहाँ का पुलिस बहुत अच्छा है, ग्रुप देखे हैं ना, इसलिए नहीं रोका। चलो फिर से चलते हैं राइड के लिए। एंड सेमी फाइनली वी आर इन कन्याम। तो कन्याम पहुंच चुके हैं हम लोग। मस्त व्यू है यहाँ पर और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। व्यू देखिए, व्यू
कदम दूर और एक व्यू पॉइंट है, तो हम लोग अभी वहां पर जा रहे हैं। सामने देख पा रहे हैं आप लोग शायद, अरे भाई पब्लिक एरिया है भाई, कहाँ कहाँ क्या क्या करने लग जाते हैं आदमी लोग, क्या समझा इन लोगों को। ना ये तो बंटी का साबुन जैसा हो गया, धोते जाओ धोते जाओ, और हम लोगों को चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। उसके बाद हालत खराब हो गया इतना चढ़ने में, लेकिन व्यू बहुत बढ़िया है, व्यू देखिए आप लोग व्यू। क्यों चलती है बवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना। देखना खत्म, अभी निकलते हैं हमारा फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ का भी व्यू अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब अभी मेन पॉइंट से जो व्यू देखे उसके बाद का, लेकिन वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। और एक बात बोलूँ, लड़कियाँ बढ़िया बढ़िया था। अभी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और जाना बाकी है हम लोगों को। यहाँ के बगल में जो पहाड़ था, मतलब अपोजिट साइड में जो पहाड़ था, वही श्रीअंतु है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे अभी। हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन वही है, निकल चुके हैं। रोड का कंडीशन यहाँ का उतना भी अच्छा नहीं है, अगर रोड का कंडीशन अच्छा होता तो सब ठीक होता। इतना धूल है रोड में, इतना धूल है क्या बताऊँ, सब ठीक है सिर्फ रोड कंडीशन अच्छा होना चाहिए। भाई नेपाल गवर्नमेंट कुछ तो देखो यार। लेट्स स्टार्ट अ सॉन्ग। ये तन्हाइयां तसव्वुर में है किसकी परछाइयां, ना 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 ना, ये भीगा समा उमंग जमा, मुझे इश्क ले जा रहा है कहां, क्यों गुम है हर दिशा, शाम के 5 बजे है
और हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। एक दो किलोमीटर बाकी है, एक दो किलोमीटर, एक किलोमीटर ही बाकी है और यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका है, लेकिन लाइटिंग इतना अच्छा है यहाँ का, क्या बोलूँ, लाइटिंग बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। चलते यहाँ से हम लोग थोड़ा घूम के होटल में जाएंगे या होटल में जाके फ्रेश फ्रेश होके घूमेंगे, वही कंफ्यूज है। मुझे तो लगता है पहले फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि पहले होटल में जाके फ्रेश हो लेंगे उसके बाद थोड़ा घूमेंगे, वैसे ही करेंगे शायद। लेकिन लाइटिंग बहुत बढ़िया है यहाँ का, देखते रहिए आप लोग लाइटिंग यहाँ का। एक्चुअली ये जगह एक आइलैंड की तरह है, हाँ श्रीअंतु एक आइलैंड की तरह है, यहाँ पर रिसोर्ट ही रिसोर्ट है चारों तरफ, मतलब भरा हुआ है रिसोर्ट से, जिस तरफ भी देखो उस तरफ ही रिसोर्ट है। और यहाँ पर ह्यूज पब्लिक आता है फ्राइडे और सैटरडे करके, नेपाल में हॉलीडे रहता है तो सब लोग अपना फ्री टाइम निकालने यहाँ पर घूमने चला आता है, और ये सीजन टाइम भी है। हम लोगों का रिसोर्ट पहले से ही बुक करके रखा था, नहीं तो हम लोगों को भी रिसोर्ट नहीं मिलता, मतलब रूम नहीं मिलता, इतना भीड़ होता है यहाँ पर। और ये श्रीअंतु का मेन मार्केट है, मेन मार्केट से सामने ही हम लोगों का रिसोर्ट है, लगभग 1 किलोमीटर 500 मीटर दूर है। तो अभी रिसोर्ट की तरफ चलते हैं। और फ्री का पाउडर लेते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं। इतना फ्री का पाउडर मिला हम लोगों को कि पूरा सादा हो चुके हैं हम लोग, वाइट हो चुके हैं पूरे के पूरा वाइट। बट फाइनली हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पर फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद थोड़ा पार्टी शार्टी होगा, उसके बाद घूमने निकलेंगे। सब और ये हम लोगों का होटल फुली वुडन टेक्सचर का है, म्यूजिक बज रहा है। चलो आए करो चला 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 Time, darling, just
इतना ठंड में बोनफायर का मज़ा ही अलग है। और बोनफायर करके निकलेंगे हम लोग, यहाँ पर सामने ही और एक रिसोर्ट है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पार्टी हो रहा है। और पहुँच चुके हैं हम लोग यहाँ पर, सब लोग ने यहाँ पर कुछ कोट्स लिख के चिपकाया हुआ है। और ये है यहाँ का बार, दिखने में तो अच्छा ही है, सब कुछ अवेलेबल भी है। इस रिसोर्ट का नाम है बेस कैंप 360। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर ही रुकेंगे, और क्यों रुकेंगे यहाँ पर वो आप लोगों को कुछ देर में पता चल जाएगा। हमारा पोल डांस एक्सपर्ट भूषण भाई यहाँ पर पोल डांस दिखाते हुए। और बहुत पार्टी हो चुका, अभी चल रहे हैं हम लोग होटल पे, वहाँ पर रात पे डिनर करेंगे, डिनर करके बाद सो जाएंगे और कल सुबह निकलेंगे सनराइज़ देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, तो डे वन हम लोगों का नेपाल में कंप्लीट हो चुका है, अभी डे टू का ब्लॉग जल्दी आ जाएगा। बाय बाय दोस्तों, हैव फन, बी सेफ।